एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक भैया। तो देखो हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ा, सिमेट्रिक पढ़ा, ट्रांजिटिव पढ़ा, अब आती है बात एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का, ध्यान देंगे। इफ आर इज रिलेशन ऑन अ सेट ए, देन आर विल बी एंटी सिमेट्रिक, आर विल बी एंटी सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देन ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। मतलब क्या है इसमें बोलने का, इस कहानी का अर्थात समझिएगा, इस कहानी का मतलब बस इतना सा है कि यदि R एक रिलेशन है किसी सेट A में, तो R को एंटी सिमेट्रिक कह देंगे यदि A कॉमा B कोई पेयर है रिलेशन R में मौजूद, और B का A से भी रिश्ता है जो कि R में है, तो ये तभी संभव है जब A और B बराबर हो, A और B बराबर हो। मतलब ये हुआ अगर A का B से रिश्ता ही नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है B का A, हाँ अगर A का B से रिश्ता है और B का A से रिश्ता ही नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर A का B से रिश्ता है और B का भी ऐसे रिश्ता है तो तभी संभव है जब दोनों बराबर हो। इसको कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि सर ये कैसे संभव होगा, थोड़ा सा जरा बताइए हमें, हम कह ये देखते हैं। आपके पास एक टेबल बना दिया मैंने जिसमें मान लीजिए हमने लिख दिया 1 2, मान लो सेट ए में 3 एलिमेंट है, ए क्रॉस ए बना रहा हूँ, ए क्रॉस ए में बना रहा हूँ, ठीक भैया। ठीक है बच्चों, अच्छा हमने कह दिया कि मान लेते हैं कि सेट ए में जो है 3 एलिमेंट है, ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है बच्चों। इनका एक रॉस ए निकालते हैं, एक रॉस ए निकाल रहे हैं तो क्या बनेगा आपका भैया, ये बनेगा आपका 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3। हमने कहा आपको भैया कि एक तो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कैसे कैसे बने आइए दिखाते हैं। देखो तो जैसे हमने कह दिया कि R अगर 2, 1 आ गया, 2, 1 आ गया, अब अगर 2, 1 आ गया तो 1, 2 नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि 2, 1 आ गया और 1, 2 आ गया तो 1 और 2 के बराबर होना पड़ेगा जो कि संभव नहीं है। 2, 1 आ गया तो 1, 2 नहीं आना चाहिए। अच्छा 1, 1 आ गया तो 1, 1 आ गया तो देखो 1 का 1 से रिश्ता है तो 1 का 1 से होना चाहिए, वो तो है ही, लेकिन 1 का 1 से रिश्ता मतलब A का B से है तो B का A से है, तो ये तब है जब A और B बराबर है, मतलब जब 1 और 1 दोनों 1 ही है। तो मतलब ये होता है ना कि जो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ये जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं एक रॉस ए के, इनको अलाउ करता है, इनको अलाउ करता है, कहता है ठीक है चलो जो सेम सेम है तो आ सकते हैं, सेम सेम है तो आ सकते हैं, लेकिन अगर A का B से रिश्ता है तो B का A से रिश्ता है, दोनों बराबर ही होंगे, अगर दोनों बराबर नहीं है तब वो आ नहीं सकते। अगर 2 का 1 से रिश्ता बन गया तो इसमें 1, 2 नहीं आएगा। जैसे मान लो इसमें अगर 1, 3 आ गया, 1, 3 आ गया,
तो यहाँ पे 3,1 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि तब वो एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा, वो सिमेट्रिक का केस हो जाएगा। तो एंटीसिमेट्रिक में बस यही होता है कि अगर ए कॉमा बी आ गया तो बी कॉमा ए नहीं आना चाहिए। क्या समझे मतलब इसका? इसका दूसरा मतलब क्या है इनडायरेक्ट वे, कि अगर ए कॉमा बी आ गया तो बी कॉमा ए नहीं आना चाहिए। यदि हाँ डायगोनल एलिमेंट्स आ सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आ सकते हैं, कहने का मतलब ये हुआ एंटीसिमेट्रिक में बस इतनी सी बात पे होती है। एग्जाम्पल देखें तो पहला है आपका, मान लो फाई, फाई मतलब नल सेट, फाई एग्जाम्पल मैंने दिया भी हुआ अपने रिकॉर्डिंग में, फाई मतलब नल सेट। देखो नल सेट क्या है, नल सेट में जब ए कॉमा बी यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एंटीसिमेट्रिक में बस इतनी बातें हैं ना कि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये आपका एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, ठीक है भैया? ये आपका भैया एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, ठीक। अच्छा दूसरी बात देखते हैं, दूसरी बात देखते हैं, दूसरा क्या है कि एक ऐसी ले लो, एक रिलेशन ले लो 1,2, 2,2, 3,3, बस देखिए ध्यान दीजिए। अच्छा ये सिमेट्रिक है क्या, ये रिलेशन सिमेट्रिक, ये बताओ फाई जो है सिमेट्रिक है क्या, फाई सिमेट्रिक है क्या? हाँ फाई सिमेट्रिक है, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक में क्या होता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इट इंप्लाइज बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यदि ए का बी से रिश्ता होगा तब ना बी का ए से रिश्ता होगा, फाई में तो ए का बी से रिश्ता ही नहीं है, तब ये भी कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, इसको हम सिमेट्रिक भी बोलेंगे, ठीक है? ये आपका एंटी सिमेट्रिक भी है और ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है? फाई एंटी सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है। यहां बात करें तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये हाँ ये एंटी सिमेट्रिक है, क्यों? क्योंकि 1 का 2 से रिश्ता है, 2 का 1 से नहीं है। अगर ए का बी से रिश्ता है तो बी का ए से नहीं होना चाहिए, यदि है तो तब होगा जब ए और बी बराबर होंगे। तो हालांकि 2 का 2 से रिश्ता है कोई दिक्कत नहीं, डायगोनल एलिमेंट्स को अलाउ करता है, 3 का 3 से रिश्ता है तो ये भी ठीक है। तो ये आपका एंटी सिमेट्रिक हो गया, ये बाबू आपका, ये आपका भैया एंटी सिमेट्रिक हो गया, ये आपका भैया एंटी सिमेट्रिक हो गया, ठीक है? तीसरी बात करते हैं भैया, ठीक। तो जैसे वन कॉमा टू, टू कॉमा टू, टू कॉमा वन, थ्री कॉमा थ्री, ठीक है? अच्छा तो बाबू ध्यान देंगे भैया हम लोग कि अधो वन का टू से है तो टू का भी वन से हो गया, तो एंटीसिमेट्रिक के लिए तभी हो सकता है जब वन और टू बराबर हो, तो वन नॉट इक्वल टू टू, वन टू बराबर तो है नहीं, तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा, ये एंटीसिमेट्रिक भैया नहीं होगा, ठीक है? ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। हाँ ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ठीक है, लेकिन एंटीसिमेट्रिक नहीं, ठीक है? ये आपका एंटीसिमेट्रिक है, ये एंटीसिमेट्रिक है, एंटीसिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है? ये सिमेट्रिक है लेकिन एंटीसिमेट्रिक नहीं, एंटीसिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है, ठीक है बच्चा? तो ये एग्जांपल हो गया आपका सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक में, बस यही अंतर। तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि एंटीसिमेट्रिक में यदि ए का बी से रिश्ता है तो बी का ऐसे रिश्ता ना हो तो ही ठीक है। हाँ डायगोनल एलिमेंट्स को अलाउ कर देते हैं एंटीसिमेट्रिक में, मोटा मोटा मुद्दा ये रहा एंटीसिमेट्रिक का, ठीक है भैया? आगे बढ़े, इसको आप नोट डाउन कर लिए। एसिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा हमने पिछले बार में यह देखा कि क्या जरूरी है कि एक रिलेशन अगर सिमेट्रिक है तो एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देखो फाई जो है एंटीसिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है। अलावा फाई के अगर रिलेशन या तो सिमेट्रिक होगा या तो एंटीसिमेट्रिक होगा, ठीक है? फाई को छोड़ दें तो दुनिया में रिलेशन या तो सिमेट्रिक होगा या तो एंटीसिमेट्रिक होगा, फिर वो साथ साथ का हो नहीं सकता। एक फाई और एक आइडेंटिटी भी, जैसे एक एग्जांपल छूट गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1,1, 2,2, 3,3,
ध्यान दीजिए, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ये एंटी सिमेट्रिक भी है, ये एंटी सिमेट्रिक भी है, ठीक है, ये सिमेट्रिक भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ भैया कि एक फाई और आइडेंटिटी रिलेशन ऐसे रिलेशन है जो एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों होते हैं। याद रखिएगा इस बात को, नोट डाउन कर लो कहीं, फाई और आइडेंटिटी रिलेशन अगर है तो सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है। इन दोनों के अलावा हम जो बोले लिखते जाइए, फाई और फाई एंड आइडेंटिटी रिलेशन बोथ आर एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, बोथ आर एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक टूगेदर, बट अदर देन दीज टू अ रिलेशन कैन बी सिमेट्रिक, इधर सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, नॉट बोथ, बट अदर देन दीज टू एग्जाम्पल्स अ रिलेशन कैन बी इधर सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, नॉट बोथ टूगेदर, नॉट बोथ टूगेदर। समझ में आ रही कहानी की नहीं? कहानी समझ में आ रही कि नहीं? हाँ बोलोगे कि नहीं? चल एक बच्चा हाँ बोलता है, बाकी सब तो चिंगम चबाते हो क्या? हाँ नहीं, सुबह सुबह कुछ चबाते बाते हो, चना तो नहीं खाते हो, बोले किधर? चलिए एसिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं भैया, एसिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं बाबू। तो ये टेबल हमको फिर से बनाना पड़ेगा, कोशिश है कि बन जाए। तो बनाना ही पड़ेगा। चलिए एसिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, सबको ध्यान देगा, ये मिटा दिया मैंने, ये हटाओ, आलस से नहीं करेंगे, नए पेज पे आते हैं। ध्यान दीजिए एसिमेट्रिक की बात कर रहा हूं मैं, एसिमेट्रिक रिलेशन की बातें कर रहा हूं भैया। जैसे मान लो 1 2 3 1 2 3 और ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ये मैंने टेबल बना दिया फिर से भैया। आपको बताने जा रहा हूँ मैं एंटी सिमेट्रिक के बारे में। पेयरिंग कर दिया 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक बच्चा? अच्छा मैं कह रहा हूँ आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ता हूँ बाबू। तो अ रिलेशन आर, मैं लिख रहा हूँ आप लोग ध्यान देंगे भैया, अ रिलेशन आर is asymmetric, asymmetric, a relation R is asymmetric, I double F if A comma B belongs to R, it implies B comma A should not belong to R, ठीक है? अगर A comma B R से belong कर गया तो बी कॉमा ए आर से बिलोंग करना चाहिए ही नहीं, करना चाहिए ही नहीं। जैसे अब ऐसे केस में क्या होता है बाबू, ध्यान देना, ऐसे केस में क्या होता है, अगर ए और बी बराबर कर देंगे तब तो चाहे उसको ए बी लिखे चाहे बी ए लिखे, जैसे हम क्या कह रहे हैं, अगर 1 1 लिखे या इस 1 को पहले लिखते हैं और इस 1 को बाद में लिखते हैं तो दोनों मतलब सेम ही हो गया। तो अगर ए का बी से रिश्ता है तो बी का ए से रिश्ता हो गया, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं ना, अगर दोनों सेम है तो, दोनों सेम है तो इसका नाम अगर ए दे दें, इसका नाम बी दे दें, तो इधर बी आ गया इधर ए आ गया, ए का बी से रिश्ता है तो बी का ए से रिश्ता है, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। तो ये एसिमेट्रिक रिलेशन में नहीं आएगा। तो एसिमेट्रिक रिलेशन ऐसा होता है जो डायगोनल को भी अलाउ नहीं करता है, जो डायगोनल को अलाउ करता ही नहीं है, डायगोनल को अलाउ नहीं करता है। एंटी सिमेट्रिक में डायगोनल्स अलाउड थे, डायगोनल्स अलाउड थे, एसिमेट्रिक में डायगोनल्स अलाउ नहीं होते हैं। और अगर ए का बी से रिश्ता हो गया मतलब तो बी का ए से नहीं होना चाहिए, मतलब अगर 2, 1 आ गया तो 1, 2 तो नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो कहने मतलब क्या है कि एसिमेट्रिक में
थोड़ा सा ये केस बढ़ गया, क्या कि ये डायगोनल भी अलाउ नहीं करता है, ये बहुत अड़िग है, अपने बातों पे बहुत अड़िग है, टिका हुआ है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल अगर ले लें, एग्जांपल अगर ले लें तो एग्जांपल में देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे फाइव, फाइव मतलब नल सेट, तो यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, जब ए बी ही नहीं है तो बी ए बिलोंग कर रहा है या नहीं बिलोंग कर रहा है इसका सवाल ही नहीं उठेगा। तो फाई क्या है, फाई आपका ए सिमेट्रिक है, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हुआ आपका, ये आपका सिमेट्रिक तो था ही नल सेट, ये एंटी सिमेट्रिक भी था और ये ए सिमेट्रिक भी हो गया। मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। डायरेक्ट खाली यही सवाल आपको आईटी दे सकता है कि फाई इज व्हाट, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक या ऑल ऑफ देम, तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और आया हुआ भी है शायद जगह पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वो आपको मैं बता के जा रहा हूँ, याद रखिएगा फाई तीनों है, फाई तीनों है, सिमेट्रिक भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है और एसिमेट्रिक भी है। अलावा फाई के, अलावा फाई के रिलेशन कैन, सर प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन, बाबू ये एग्जांपल एक्सप्लेन करूं कि पूरी थ्योरी एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं, क्या कहते हो, जल्दी जल्दी रिप्लाई, एग्जांपल और थ्योरी, एग्जांपल, ओके बाबू मैं कह दिया ना, देखो फाई क्या है, फाई में नल कोई भी एलिमेंट नहीं है, दिस इज व्हाट फाई, फाई का मतलब क्या होता है नल सेट। मैंने कहा बच्चा ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि सिमेट्रिक में यदि ए का बी से रिश्ता होता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर देन बी कॉमा ए मस्ट बिलोंग टू आर, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं, ना ए है ना बी है, तो यहाँ कोई बात ही नहीं आएगी, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए का बी से रिश्ता है और बी का ए से रिश्ता है, अगर ए का बी से रिश्ता है और बी का ए से रिश्ता है तो ए और बी बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई रिश्ते नहीं है, ना ए है ना बी है, तो ये कोई वायलेशन नहीं ला रहा है, ये रूल्स में कोई भी वायलेशन नहीं ला रहा है, कोई वायलेट नहीं कर रहा है रूल को, तो इसको हम लोग एंटी सिमेट्रिक भी मान लेते हैं। रिश्तों में जब तक कोई वायलेट नहीं करेगा तब तक उसको उस रिश्ते में रखेंगे, रिश्ता मतलब मेरे घर में रहने की बात है, अगर आप मेरे रूल को फॉलो कर रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन देखो तीन बातें होती हैं, या तो मैं रूल फॉलो करूंगा, या तो मैं न्यूट्रल रहूंगा कोई हम, या मैं रूल के अगेंस्ट काम करूंगा, ठीक है। तो रूल के अगेंस्ट वाले जो होते हैं वो घर में नहीं रहते हैं, बाकी जो कुछ नहीं कर रहे हैं या जो रूल को फॉलो कर रहे हैं वो घर में रह सकते हैं, मतलब वो रिलेशंस में होते हैं। तो फाई क्या है, ये रूल फॉलो तो नहीं कर रहा कि सिमेट्रिक के लिए अगर एक अभी से रिश्ता भी का ऐसे रिश्ता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट ही नहीं है, लेकिन ये डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है, तो फाई को हम सिमेट्रिक मान लेते हैं, फाई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है इसलिए हम इसको एंटी सिमेट्रिक भी मान लेते हैं। फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो एक अभी से रिश्ता है तो बी का ऐसे रिश्ता नहीं होना चाहिए, ये वाली बात भी इसमें नहीं आएगी, मतलब ये भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो फाई को हम लोग एसिमेट्रिक भी मान लेते हैं, जानवी बेटा, ठीक है। तो फाई इज सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, तीनों रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दुनिया का, बोलो समझ में आया नहीं आया, क्लियर है, तो आगे बढ़े। यस यस सर, चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिए ध्यान दीजिए, अब अगला क्या है, इसे मान लो एक रिश्ता ले ले रहा हूं, आइडेंटिटी रिलेशन ले लेते हैं, 2,2 और 3,3। देखो ये बहुत सिंपल सी बात है कि बाबू ये क्या है आपका, ये आपका सिमेट्रिक है, ये आपका एंटी सिमेट्रिक है, बिल्कुल भाई सिमेट्रिक क्यों है, एक अभी से रिश्ता बी का है, डायगोनल एलिमेंट एलिमेंट सिमेट्रिक में आते हैं और एंटी सिमेट्रिक भी अलाउ करता है, लेकिन ये ए सिमेट्रिक नहीं है, ए सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक नहीं है। ध्यान देना, एक फाई को छोड़ दो, एक फाई को छोड़ दो, नल सेट को छोड़ दो, दुनिया में सारे रिलेशन जो होते हैं, नल या वॉयड रिलेशन जो होता है उसको छोड़ दो, दुनिया के सारे रिलेशन जो होते हैं वो या तो एसिमेट्रिक होंगे या सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक में से कोई एक होंगे, ठीक है, यहाँ पे और भी लग जाएगा, या तो सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक होंगे या वो एसिमेट्रिक होंगे, फाई के अलावा अगर रिलेशन इनमें से कोई एक है तो एसिमेट्रिक नहीं हो सकता, ठीक है, ये हमने आपको बताया, आगे बढ़ेंगे भैया हम लोग, ध्यान दीजिए,
तीसरा है बाबू कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो वन टू टू थ्री, वन थ्री थ्री वन, ध्यान दीजिए ये कैसा रिलेशन है। देखो ये सिमेट्रिक है क्या, तो वन का टू से है तो टू का वन से नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक। ये एंटी सिमेट्रिक है क्या, तो देखो ध्यान दो, वन का थ्री से है तो थ्री का वन से है, लेकिन वन और थ्री बराबर तो है नहीं, ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। अच्छा ये ए सिमेट्रिक है क्या, ए सिमेट्रिक में अगर वन का थ्री से रिश्ता है तो थ्री का वन से रिश्ता नहीं होना चाहिए, थ्री का वन से रिश्ता नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी कॉमा ए रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो ये ए सिमेट्रिक भी नहीं है, ए सिमेट्रिक भी नहीं है। मतलब ये भी पॉसिबल है दुनिया में कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक तीनों ना हो, ये भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया। एक रिलेशन तीनों हो सकता है, ये संभव है, एक रिलेशन तीनों नहीं हो ये भी संभव है, और रिलेशन सिमेट्रिक हो, एंटी सिमेट्रिक हो, लेकिन ए सिमेट्रिक ना हो, ये भी संभव है, ठीक है भैया। तो हमने इसलिए दिखा दिया, ठीक है बाबू। लिख लो जल्दी से, हो गया भैया, नोटेड सर, डन सर, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक एग्जांपल और ले लो ना, एक एग्जांपल और ले लो, जैसे मान लीजिए कि वन टू टू थ्री, वन थ्री, और ध्यान दीजिए ये सिमेट्रिक है नहीं, वन का टू से है तो टू का वन से नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा ये एंटी सिमेट्रिक है, तो देखो वन का टू से है तो टू का वन से नहीं है, और डायगोनल एलिमेंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो वन का टू से है तो टू का वन से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वन और टू बराबर नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक भी है, ये एंटी सिमेट्रिक है। अच्छा ये एसिमेट्रिक है, हाँ तो वन का टू से तो टू का वन से नहीं है, ये एसिमेट्रिक भी है, एसिमेट्रिक भी है, एसिमेट्रिक भी है। तो देखो हमने हर पॉसिबिलिटीज को आपको दिखाया, यहाँ हमने आपको हर पॉसिबिलिटीज को इसलिए दिखाया, तीनों हो सकता है, एसिमेट्रिक ना हो बाकी दोनों हो सकता है, तीनों नहीं हो सकता है, या सिमेट्रिक ना हो और एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक हो जाए, ये भी संभव है, ठीक है, ये भी संभव है, ठीक है बाबू। कोई सवाल मन में किसी के नहीं है, आगे बढ़ेंगे। तो हमने समझा तीन तरह का रिलेशन, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, ठीक है बाबू। आगे बढ़ना चाहूंगा मैं, अगला है भैया, अगला है आपका, एक नाम आता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, एक नाम क्या आता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, बहुत ही खाली टाइप्स ऑफ रिलेशन ही पढ़ना है, ठीक है, बहुत ज्यादा सवाल इससे बनते नहीं है, जितने बन रहे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, तो जो भी अगर पूछेगा कहीं घुमा फिरा के तो ये सब पूछता है, फिर आपका इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, इक्विवेलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, तो हम ये बताएंगे, ठीक है। हेडिंग है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। देखो जैसा कि इक्विवेलेंस रिलेशन था वैसे ही पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की भी बातें होती हैं भैया। हाँ तो अगर कोई रिलेशन आर है, कोई रिलेशन आर है, अगर ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है,
ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, और एक रिलेशन है ये आर वन है, मान लो ये आर टू है, एक रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। देखो ऊपर वाला रिलेशन जो होगा, इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ऐसे रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। और ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक की जगह खाली यही इसी का अंतर है, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो इनको हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं, ठीक है, पीओआर, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं पीओआर, ठीक है। बाकी ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होते क्या है, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। बस इतनी सी बात थी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का, इतना सा बात था, इतनी सी बात थी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वही है, मान लो रिलेशन है ए में, ए क्या आपका 1 2 3, तो जैसे मैं कह दिया फाइव इक्विवेलेंस है नहीं, क्योंकि फाइव रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, फाइव रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बिलोंग टू इटसेल्फ ना, यहाँ तो 1 का 1 से रिश्ता ही नहीं है, 2 का 2 से रिश्ता ही नहीं है, 3 का 3 से रिश्ता ही नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, और रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो ये इक्विवेलेंस नहीं है और ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी नहीं है, ठीक है बाबू। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 में बनाना है, तो एक रिलेशन है मान लो R3, मान लो कैसा है आपका 1 1 2 2 3 3। ध्यान दीजिए ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी है तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, ये तीनों होगा भैया, तो हम कह देंगे ये इक्विवेलेंस है, ये इक्विवेलेंस है। अच्छा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक भी है, एंटीसिमेट्रिक जो है डायगोनल्स अलाउ करता है ना, एंटीसिमेट्रिक डायगोनल अलाउ करता है, 1 1 2 2 3 3 अलाउ करता है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव तो है ही, तो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी है, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन इक्विवेलेंस भी होता है और पार्शियल ऑर्डर भी होता है। इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात। तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल देखो भैया, तीसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो 1 2 1 1 2 2 3 3 1 2 1 1 2 2 3 3 1 का 2 से है 2 का 2 से तो 1 का 2 होना चाहिए 1 का 1 से है तो 1 का 2 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ रिफ्लेक्सिव है, क्यों, 1 का 1 से है 2 का 2 से है और 3 का 3 से है। ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, क्यों, 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए, तो सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा एंटी सिमेट्रिक है, देखो डायगोनल तो अलाउ होते हैं, और 1 का 2 से है तो 2 का 1 से नहीं है, तो एंटी सिमेट्रिक भी है, ये एंटी सिमेट्रिक है। अच्छा ट्रांजिटिव है तो आइडेंटिटी से कोई दिक्कत नहीं है, 1 का 2 से है तो और 2 का 2 से है तो 1 का 2 से होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए 1 का 2 से है। अच्छा 1 का 1 से है और 1 का 2 से है तो 1 का 2 से होना चाहिए, 1 का 2 से है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, तो ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, हेंस ये रिलेशन पीओआर है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। बोलो एग्जांपल क्लियर है, बोलो एग्जांपल क्लियर है, यस सर। तो हमने पढ़ा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, हमने पढ़ा क्या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पर। एक सवाल है, पीयूष ने सवाल दिया था बाबू, तो अब उस सवाल को हम लोग करेंगे अभी, इतने थ्योरी को आप रखे रहो, कल हम लोग फिर से पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, पार्टीशन क्या होते हैं और कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो क्या होता है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो एक सवाल है पीयूष ने दिया था, हम उसके सवाल पे आते हैं। शेयर कर देता हूं मैं, पीयूष, पीयूष, पीयूष ये सवाल है, बच्चे का ये सवाल है, पीयूष ने कहा था कि
कि सर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पूछे थे ना बेटा, पीयूष भैया क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पूछे थे बाबू। हाँ ना कुछ तो बोल दो भैया। सवाल है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा, तो फॉर्मूला मालूम है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है 4 है, 5, 4 या 20। पहले का आंसर 20 हो गया, कॉमन से कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब क्या कह रहा है, अब ये सवाल है तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ एलिमेंट सॉरी हाँ ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, ढेर सारे प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस ए है तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूला देखिएगा अक्रॉस बी इंटरसेक्शन ए, हमने क्रॉस और इंटरसेक्शन को इंटरचेंज कर दिया, ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, बोलिए हाँ। अच्छा तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए, यही हो जाएगा भैया ठीक है बाबू। अच्छा तो एन ए क्रॉस बी क्या होता है, एन ए इंटू एन बी, तो ऐसे ही इसको अगर सी ओ डी मान ले तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन ए। अच्छा इंटरसेक्शन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब क्या हुआ ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट कितने बेटा 3 एलिमेंट्स आर कॉमन, 3 एलिमेंट कॉमन है बच्चा, तो ये वैल्यू आ गई 3। अच्छा बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए मतलब सेम बात है, बी और ए में कॉमन कितने हैं, तो 3 ही कॉमन है, तो इंटू 3, 3 3 या 9, तो इसका आंसर आएगा आपका 9। तो पहले का आंसर आपका आ गया 20, दूसरे का आंसर बाबू हम लोगों ने पाया क्या 9, क्लियर है। एक बार देख लो सभी लोग,